सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले बिहार के 13 वर्षीय वैभव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाएंगे अपना जलवा। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार के वैभव सूर्यवंशी अब भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। महज 13 साल की उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम में कदम रखकर इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। साथ ही क्रिकेट दुनिया के कई बड़े दिग्गजों को टक्कर देने पहुंच गए हैं। वैभव का चयन अंडर 19 इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए हुआ है। ये बिहार में समस्तीपुर के ताजपुर के रहने वाले हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 4 दिवसीय वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है, तो उसमें वैभव का नाम भी शामिल रहा। आपको बता दें कि 21 सितंबर से अंडर 19 की शुरुआत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी। इस मैच में राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ भी खेलते नजर आने वाले हैं। वैभव ने बिहार रणजी ट्रॉफी में महज 13 साल और 5 महीने की उम्र में डेब्यू किया है और रणजी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले वैभव दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। पहले नंबर पर अलीमुद्दीन का नाम शामिल है। इन्होंने महज 12 साल 2 महीने की उम्र में डेब्यू किया था। दूसरे नंबर पर वैभव है। युवराज सिंह ने 15 साल और 57 दिन, वही सचिन तेंदुलकर ने 15 साल 232 दिन की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था। ऐसे में क्रिकेट की दुनिया में कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को टक्कर देते हुए वैभव आगे बढ़ रहे हैं। वैभव ने इतनी कम उम्र में अपने नाम और भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। इसमें सबसे पहला है और सबसे चर्चित रिकॉर्ड 1 साल में 40 सेंचुरी और 3 डबल सेंचुरी बनाने का है। इन्होंने 5 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। इनका जन्म 27 मार्च वर्ष 2011 को हुआ था। वैभव अपने जिले के पटेल मैदान में प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें शनिवार को खबर मिली कि उनका चयन इंडियन टीम के लिए हुआ है। खबर सुनते ही इनके घर वाले और आसपास के लोगों के बीच खुशी का माहौल छा गया। वहां मौजूद सभी साथे खिलाड़ियों ने इस खुशखबरी के बाद जमकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि वैभव बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। जब ये 7 साल के थे तो इनकी क्रिकेट में रुचि देख इनके पिता ने इन्हें क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दिया था। जब 10 साल के ये हुए तो इनके पिता इन्हें पटना के संपत चक स्थित JNX क्रिकेट एकेडमी लेकर पहुंच गए और यहां वैभव को बड़े बड़े मैच खेलने का मौका मिला। साथ ही सीनियर मैच में इन्होंने रन भी बनाने शुरू कर दिए थे। इतनी कम उम्र में वैभव ने और भी कई क्रिकेट मैचों में अपना जलवा दिखाया है। अब हम आपको इन रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। दरअसल अच्छा प्रदर्शन करते रहने के कारण इन्हें हेमन ट्रॉफी के लीग और सुपर लीग में जगह मिली थी, जहां इन्होंने 670 रन बनाए थे। इसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक लगाकर इन्होंने सभी को हैरान कर दिया था। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद इन्हें एक और मौका दिया गया, जिसके तहत इन्हें अक्टूबर 2023 में वीनू मांकर टूर्नामेंट अंडर 19 में खेलने का मौका मिला था। इसका आयोजन चंडीगढ़ में हुआ था, जहां इन्होंने बिहार की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। इस टूर्नामेंट में इन्होंने 393 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल था। इसके अलावा एक ही पारी में 48 चौके और 15 छक्के लगाने का भी इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस बार वैभव को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला है, जहां वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना दमखम दिखाते नजर आने वाले हैं। अब देखना है कि भारतीय टीम में वैभव का क्या प्रदर्शन रहता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले मैच में वैभव कैसा प्रदर्शन करेंगे, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।